नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 8 का पाठ 1 संसाधन। हम हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं देखती हैं, घर पे जो उपयोग में लेते हैं, जैसे लकड़ी की कुर्सी है, बेड है, प्लास्टिक की बोतल है, बर्तन है, हमारे रसोई में जो काम में लेते हैं, जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, ये सभी हमारे लिए हमारे जीवन में उपयोगी है, इसलिए ये हमें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, इसीलिए इन्हें संसाधन कहा जाता है। संसाधन की परिभाषा, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूरी करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन कहलाता है। हम बाजार में जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, तो पढ़ने के लिए हमें किताब चाहिए, अखबार चाहिए, तो पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, ज्योमेट्री है, ये सब हम कहाँ से लाते हैं? बाजार से लाते हैं। तो ये सब वाणिज्यिक संसाधन होते हैं जिनका हम मूल्य चुकाते हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रायोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। प्रायोज्यता का अर्थ है प्रयोग में लेने योग्य। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, जैसे आपकी दादी है, घरेलू नुस्खे आपके घर पे बनाती है, उनका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन यदि पेटेंट करने के बाद में उसका मेडिकल फर्म में बेचा जाए तो उसका आर्थिक रूप से मूल्य बन जाता है, यानी वो मूल्यवान बन जाते हैं। पेटेंट का यहाँ अर्थ है कि किसी पदार्थ का अपने एकाधिकार में लेकर और उसका आविष्कार करके बाजार में बेचना। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं। जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। प्रौद्योगिकी किसी कौशल को करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। किसी भी वस्तु का आविष्कार करने के लिए हमें नवीनतम प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। लोहा भी तब तक खनिज नहीं था जब तक उसका उपयोग नहीं किया जाने लगा था। सभी वस्तुएं तब खनिज बनती है जब हम हमारे उपयोग के लिए वो तैयार हो जाती है, जब हम उनका उपयोग करने लग जाते हैं। जैसे पहिए का आविष्कार होने के बाद परिवहन का संसाधनों का विकास हुआ, कागज का आविष्कार होने के बाद में हमारी पुस्तकें बनने लगी, लोहे का आविष्कार होने के बाद में सारी वस्तुएं लोहे की जो है वो बनने लगी, विद्युत का आविष्कार होने के बाद हमें विद्युत पर उपयोग में लेनी होगी हमारे लिए बनी, ये सब हमारे लिए संसाधन है। संसाधनों के प्रकार, संसाधनों को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जा सकते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियां, झीलों का जल, मृदा, खनिज आदि प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति ने निशुल्क हमें प्रदान किए हैं, निशुल्क उपहार हैं हमारे लिए, ये सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं।
अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों का विस्तृत रूप है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनर्मुद्रित हो जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं उस पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन लापरवाही से काटे जा रहे हैं तो ये संसाधन सीमित होते जा रहे हैं, जिससे आज वर्तमान में हम जल की कमी को देख रहे हैं। ये हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है। इसके बाद अनवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका भंडार हमारे पास सीमित है, जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः जल्दी से हमें प्राप्त नहीं हो पाएंगे, जिसमें पेट्रोल, खनिज तेल, मृदा, ये इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लोह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा नहीं बना दिया और उसका प्रयोग नहीं करने लगे थे। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने के लिए करते हैं, उन्हें मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाता है। प्रौद्योगिकी भी एक निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। इसके बाद में मानव संसाधन, मानव खुद स्वयं एक संसाधन है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास पैसा हो, कौशल हो तथा अधिक से अधिक उनके पास प्रौद्योगिकी हो। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है, जो संसाधन बनाने के संदर्भ में लोगों के मतभेद से है। इसके होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मानव ही मूलतः कुशलताएं और भौतिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए पदार्थों को मूल्यवान बनाता है। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन होते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों को बनाने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। ये हुए संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार के बाद आता है हमारे पास संसाधन संरक्षण। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत कोशी विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के लिए अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग के लिए कम करके वस्तुओं को कम से कम प्रयोग करें तथा भविष्य में उनके उपयोग के लिए उन
उनको छोड़े और उनको कम से कम व्यर्थ करके आप भावी पीढ़ी के लिए उन्हें बचा कर रखें। जैसे हम कागज को व्यर्थ न कमाएं, पुरानी वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करके हम संसाधनों का बचा सकते हैं और उनको संरक्षण कर सकते हैं। विद्युत जो है वो जल और कोयले से मिलती है। जल और कोयला दोनों ही हमारे पास सीमित संसाधन है। हम कम से कम विद्युत का उपयोग करके आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी इसको बचा सकते हैं। सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करके हम जो जल विद्युत है और कोयले से बनने वाली विद्युत है उसे को कम कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी और इस पर विकास करने वाले लोगों को भविष्य में पेड़ और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। हम कम से कम पेड़ काटें और अधिक से अधिक पेड़ लगाकर भी इस सूखे की जो अभी वर्तमान में समस्या अधिक से अधिक आ रही है उसको भी हम कम कर सकते हैं और अधिक से अधिक औषधियाँ और कागज और अन्य वनस्पतियाँ हम उस पेड़ों से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सुनिश्चित करें और ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग हमारे लिए जरूरी है और सतत पोषिय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। हम नवीकरणीय